अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मॉब जमा होता है, शटर उठाता है और अंदर का पूरा सामान लूट लेता है। ये जावेद की दुकान का वीडियो है। सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 दिन से ये वीडियो वायरल हो चुका है। ईद के बाद का ये वीडियो है। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इससे मुतालिक एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। वो अपडेट आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जावेद ने व्हाट्सएप के ऊपर ये फोटो डाली थी जहां पर ये कुर्बानी करते हुए नजर आ रहा था, जहां पर एक बड़ा जानवर मौजूद था। लेकिन ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जावेद ने बफेलो की कुर्बानी दी थी जो कि कम्प्लीटली लीगल है। लेकिन किसी ने झूठ फैला दिया कि जावेद ने गाय की कुर्बानी दी कहकर उसके बाद में उसकी दुकान की ये हालत कर दी गई, दुकान में तोड़फोड़ मचा दी गई। यही नहीं, जावेद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन की गई उसके बाद में पुलिस का क्या कहना है आप खुद यहाँ पर सुन सकते हैं। जावेद नाम का एक व्यक्ति है जो जलालाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और आंध्र प्रदेश में जाकर संभवतः जो है वो निवास करता था और कार्य करता था। उसकी जो है एक सोशल मीडिया पे कुर्बानी के संबंध में जो कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, इस संबंध में जो है एक स्वामी जी द्वारा जो कथन दिया गया कि उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें जो अभी तक जांच के तथ्य प्रकाश में आए हैं, यह प्रतिबंधित पशु नहीं है बल्कि जो परमिटेड पशु है उसकी कुर्बानी की गई थी। और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर थी वो थोड़ी विभत्स थी, इस वजह से जो है सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी को तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। व्हाट्सएप के ऊपर जो भी न्यूज़ आती है उसको वायरल करने का नतीजा आप देख सकते हैं, किस तरह से एक फेक न्यूज़ के चलते जावेद की दुकान को नुकसान पहुंचा दिया गया। इस तरह के वाकयात जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं, लोग क्या कर रहे हैं स्टोरी पे लगा रहे हैं। और हैदराबाद के अंदर भी एक कॉमेडी करने वाली यूट्यूबर है, लेडी यूट्यूबर है, वो भी इस तरह के स्टोरीज लगा रही थी, लोगों को भड़काने वाली स्टोरीज लगाई। उसके बाद में जब लोग गर्म हो गए तो इस तरह की बातें लिख रही, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेन गलती यहाँ पे नौजवानों की है जो जाके ऐसे औरतों को फॉलो करते हैं। जो देखिए कंटेंट तो कुछ भी नहीं रहता और लोगों को क्या दिखाते वो तो को मालूम है। और स्टार्टिंग में हमने आपको ये वीडियो बताया था, शहर हैदराबाद के अंदर और एक कत्ल का मामला पेश आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शख्स को पुलिस ले जा रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी के ऊपर अभी तक तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है। लगातार 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे न्यूज़ में एक ना एक कत्ल हो रहा है और किस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं इससे मुतालिक क्या कहना है यहाँ पर आप सुन सकते हैं। आज अच्छी इससे घर में खुद का रिश्तेदारों में क्या आपसी अख्तलाफात थे नहीं मालूम, एक मौजूदा मालूमात के हिसाब से छोटा भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया बोलकर है ना, जैसा 2 घंटे पहले हुआ था। हमारे मोहल्ले वालों को, हमारी एरिया के सदरों को किसी को नहीं मालूम था, मगर घर से कोई लेडीज है मुतल्लिका पुलिस को 100 पर डायल कर बोले कि यहाँ पे ऐसा कत्ल हो गया, बोले तो पुलिस फौरन ही आके जब तक का पुलिस यहाँ पर आकर घर पर जो है ना देखरेख नहीं करी। मोहल्ले वालों को भी, हमारे एरिया के सदर मोहतमदीन को भी नहीं मालूम था, अभी अभी मालूम हुआ। तो फौरन जो है अभी लाश यहाँ पर ही पड़ी हुई है, मगर मैं हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से, मैं अदबन हमारे मुतल्लिका DCP साहब से, SCP साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मुसलसिल ये ईद के बाद से जो है ना अब तक का करीब करीब 5-6 भाई, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, ये मेरा ही घर है जहाँ आज कत्ल हुआ है शाम में, और वो 1-1.5 महीना हुआ आके, अभी इनका अग्रीमेंट भी नहीं बना। जो मारे सवाल अभी देखा हमें, उनका नाम हाजी पाशा है, अभी एग्रीमेंट नहीं बना हमें, आधार कार्ड वो नहीं, मेरे को नहीं मालूम, अभी उठ के उतर के डेढ़ महीना हुआ आके जी, अभी एग्रीमेंट नहीं बना, मतलब देखेंगे कैसे क्या है इसके बाद बनाएंगे बोल के बोला। कभी कंप्लेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, जो मारे उनको दिया था, अभी पकड़ के लिखे ना देखा मैं, इनके नाम पे एग्रीमेंट बना रहा था मैं, अभी नहीं बनाया। किसके साथ थे? 3 बच्चे थे उनके, इन मियाँ बीवी थे। अच्छा, ये जो इसका कत्ल हुआ ना, अक्सर यहाँ आया जाता है? नहीं, कोई, मैं फर्स्ट टाइम देखा है। आप भी साथ घर में रहते हो? नहीं, मैं अलग रहता, मेरा घर दूसरी जगह है।
और दो दिन पहले हमने आपको ये वीडियो बताया था किस तरह से बुरखा पहनकर एक ज्वेलरी शॉप के अंदर चोरी करने की कोशिश की गई थी, कुछ सामान भी चोरी किया गया था। अब देखिए पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा है जो लोग रॉबरी करे थे। तेलंगाना पुलिस को यह जबरदस्त कामयाबी मिली है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम है नजीम अजीज कोताड़िया और दूसरे का नाम है शेख सोहेल। मेटचल के कोमपल्ली में यह वाकया पेश आया था। जैसा कि आपने सुना, ईद के बाद से अब तक 4 से 5 कत्ल के वाकयात पेश आ चुके हैं शहर हैदराबाद के अंदर। इससे मुतालिक आप लोगों की क्या राय है कमेंट जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।